हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत करता हूँ आप सबको यहाँ पे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन जो है आपका पेज नंबर 95 से, ठीक है, पेज नंबर 95 यानी कि जो प्रश्नवली जो है वहां से प्रश्न लिया गया है। ठीक है, आपका कितना नंबर पेज बोला मैंने, 95 पेज। आपका टेक्स्ट बुक जो है उसका 95 पेज पे आप देखेंगे ये सारा प्रश्न आपको वहां पे मिलेंगे। ठीक है, तो एक एक करके मैं प्रश्न को डिस्कस करूंगा, इसको हम कैसे समाधान करते हैं ये भी आपको बताऊंगा। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या है, कितना लिखा है, 7, 4, 2, 5, 8, 3, 8 संख्या के 7 और 5 का स्थान बदलने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका पहले की संख्या से कितना अंतर होगा। तो आपको जो संख्या दिया, देखिए अगर हम इसके हिसाब करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, ओके, 7,42,538, ठीक है, इस प्रकार का एक संख्या है, उसमें से क्या करना है आपको, 7 और 5 को अदली बदली कर देना है। ठीक है, तो हम एक मतलब 4 नंबर का हम उत्तर लिखेंगे, एक एक करके मैं उत्तर लिखूंगा, है ना। 4 नंबर का उत्तर हम लोग कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जो संख्या दिया है हमारे पास, संख्या क्या है, आप पहले संख्या लिख लीजिए, कौन सा संख्या है। ठीक है, मैं एक एक करके आपको सारा आंसर बताऊंगा। संख्या जो है हमारे पास क्या दिया है, 7 लाख, ओके, 42,538 ऐसा दिया हुआ है। तो आपको क्या बोला है, आपको 5 के जगह में 7 कर देना है, 7 के जगह में 5 कर देना है। ओके, स्थान बदल कर, ओके, स्थान बदलने से क्या होगा, स्थान बदल कर, है ना, या फिर बदलने पर, किसका स्थान स्थान बदलने पर, किसका स्थान बदलने पर, बोले तो 7 और 5 का स्थान बदलेंगे। 7 के जगह में हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 5 की जगह में हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसको बदल दीजिए, यहाँ पे पहले हमने 5 लिखा, फिर जैसा दो संख्या है वैसे लिखना है ना, 4, 2, और ये 5 की जगह में क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, और 3, 8, तो ये कितना हो गया, 5,42,738 हो गया। ये तो हो गया आप संख्या बताने के बाद। अब फिर आपको क्या बोला है, अंतर, अंतर क्या होगा वो लिखना है आपको। ठीक है, अंतर आपको लिखने के लिए बोला है, ओके, तो अंतर लिखना है, अंतर क्या हो जाएगा, अंतर बराबर, इससे इसको घटा दीजिए, है ना, 7,42,538, तो कितना माइनस करेंगे हम, ये माइनस करेंगे 5,42,000 738 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करने से क्या आएगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो माइनस करिएगा कितना आएगा, देखिए हम 8 से 8 को माइनस करेंगे, तो मैं यहाँ पे सीधा कर रहा हूँ, आप इस तरह से लिख के भी आप माइनस कर सकते हैं, किस तरह से, अगर यहाँ पे आपको इस तरह से प्रॉब्लम होता है माइनस करने के लिए, है ना, तो आपको कैसे लिखना है, आप इस तरह से लिख के लिखो, है ना, 7,42,538 इस तरह से लिख दिया, उसके नीचे इसको लिख दीजिए 5,42,738 इस तरह से लिख दिया, फिर माइनस करिए, 8 में 8 घट गया 0, 3 में 3 घट गया 0, माइनस करना है। ठीक है, और यहाँ पे 15 में 7 गया 8, 15 में 7 गया 8, यहाँ पे 1 कैरी हो गया, 11 में 2 गया 9, ठीक है, यहाँ पे 3 है 1 गया 13, है ना, 13 में 4 घटाने से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 6 है 1, ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,99,800। तो इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस आंसर को आपको लिख लेना है, ठीक है ना, इस आंसर को लिख लेना है। तो पहला प्रश्न का जो आंसर मैंने बताया, यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं मैं, आपको लिखना इस प्रकार से, है ना, तो फिर अंतर क्या हो गया, अंतर इतना हो जाएगा, स्थान बदलने के बाद किसका स्थान बदला हमने, 5 और 7 का स्थान बदला। आशा करता हूँ बच्चों ये समझ में आ गया। ठीक है, तो उसके बाद हम 5 नंबर पे जाएंगे, इसको मिटा देता हूँ, 5 नंबर प्रश्न पे यहीं पे करूंगा, इसलिए इसको मिटा रहा हूँ, 5 नंबर प्रश्न को आपको करके बताता हूँ। तो आपको इसको कैसे लिखोगे, देखो आपको इसको कैसे लिखोगे, वीडियो को रोक दीजिए, फिर इसको लिख दीजिए, है ना, वीडियो को रोकने के बाद फिर लिखना, फिर वीडियो चलाना, उसके बाद 5 नंबर, 5 नंबर क्या प्रश्न बोला है, 5 नंबर प्रश्न को देखिए, एक गांव में प्रत्येक परिवार ने 50-50 मुर्गियां पाली है, एक गांव में है 50-50, एक घर में 50 मुर्गी है, दूसरा घर में भी 50 मुर्गी है, तीसरा घर में भी 50 मुर्गी है, तो गांव में 50-50 मुर्गियां पाली है, गांव में रहने वाले 100 परिवार है, तो कितना परिवार है, 100 परिवार है, और प्रत्येक परिवार ने 50-50 मुर्गियां पाली है। ठीक है, तो आप लोग के घर में भी होता होगा, है ना, मुर्गियां, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, उन लोगों ने 50-50 मुर्गियां पाली है, तो आपको बताना है गांव में कुल कितनी मुर्गियां है। ठीक है, सो प्रत्येक परिवार कितना मुर्गी है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा, है ना, प्रत्येक, देखिए कैसे लिखूंगा, प्रत्येक परिवार
बराबर 50 मुर्गियां, कितना मुर्गियां है, मुर्गियां, ठीक है। प्रत्येक परिवार कितना मुर्गियां पाल रहा है, 50 मुर्गियां पाल रहा है, तो कुल परिवार कितना है, कुल परिवार, वो देखिए थोड़ा सा ध्यान से, है ना, कुल परिवार कितना परिवार बोला है, कुल परिवार बराबर 100, है कि नहीं, टोटल परिवार दिया है हमारा 100, तो कुल मुर्गियां निकालना है। तो आपको कुल मुर्गियां कैसे निकालेंगे, तो कुल मुर्गियां, ठीक है ना, कुल मुर्गियां बराबर आप क्या करोगे, 50 से 100 को गुणा कर दोगे, ठीक है, 50 गुणे 100 यहाँ पे गुणा करने से आ जाएगा, तो 50 गुणा 100 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ओके, ये तो 5 हो गया, 1 2 3 0, तो कितना मुर्गियां होगी, 5,000 मुर्गियां होगी, कितना मुर्गियां होंगे, 5,000 मुर्गियां। बहुत आसान प्रश्न था, आपको यहाँ पे क्या करना था, गुणा करना था, प्रत्येक परिवार बराबर 50 मुर्गियां, कुल परिवार कितना है 100, तो कुल मुर्गियां कितना हो गया, तो आपको यहाँ पे हो गया 5,000 मुर्गियां कुल मुर्गियां होंगे। तो बच्चों ये वाला आशा करता हूँ कि ये वाला 2 नंबर भी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर दूं, ये वाला जो प्रश्न है हमारा पेज नंबर 95 का प्रश्न है, ठीक है, आपका एक प्रश्न वाली जो है, प्रश्न वाली दिया गया है उसका कितना, पेज नंबर 95 से ये प्रश्न दिया गया है। उसके बाद 6 नंबर वाला प्रश्न को करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, फिर भी यही टेक्निक है, आपको वीडियो को रोक लेना है, आंसर को लिख लेना है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। सो 5 नंबर वाला मैं मिटा देता हूँ, 5 नंबर, ओके, ये मैंने आपको बता दिया। 6 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे, 6 नंबर वाला प्रश्न क्या बोल रहा है, 6 नंबर वाला प्रश्न है हमारे पास, एक व्यक्ति को एक दिन में मुर्गी के 25 अंडे मिलते हैं, 100 दिनों में कितने अंडे मिलेंगे, ओके, ये भी बहुत आसान प्रश्न है, एक इंसान है, ओके, एक दिन में कितना मुर्गी अंडे मिलते हैं, उसको 25 अंडे मिलते हैं, तो ये 6 नंबर का हम आंसर कैसे लिखेंगे, ये 6 नंबर हो गया, इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे, है ना, 6 नंबर का आंसर हम कैसे लिखें। सो आपको एक दिन में, एक दिन देखिए, एक दिन बराबर, ओके, कितना अंडे हैं, 25 अंडे, 25 अंडे मिल रहे हैं उसको, ठीक है, वो इंसान को 25 अंडे मिल रहे हैं, तो 100 दिन में कितना मिलेगा, 100 दिन, 100 दिन बराबर 25 गुणे 100 अंडे, ठीक है, 25 गुणे 100 अंडे मिल जाएंगे, तो आसान था ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का सिंबल दे देंगे, देयरफॉर तो 25 गुणे 100 तो क्या हो जाएगा, 25 गुणे 100 का मतलब क्या है, 2, 5 और 200, 2 2 0 लगा देंगे, 2500 अंडे मिलेंगे उसको, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे प्रश्न आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, आप आसानी से इसको कर सकते हो, एक दिन बराबर या 25 अंडे और 100 दिन बराबर 25 को 100 से गुणा कर देंगे तो हमको ये प्रश्न मतलब मिल जाता है, ठीक है, इसको मिल जाता है, ओके। सो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे मतलब 7 नंबर वाला प्रश्न को इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 7 नंबर वाला प्रश्न को देखिए, 7 नंबर वाला प्रश्न है हमारे पास में, कमल प्रतिदिन 30 लीटर दूध बेचता है, प्रतिदिन कितना लीटर दूध बेचता है, 30 लीटर, वह एक महीने में कितने लीटर दूध बेचेगा, सो प्रतिदिन वो 30 लीटर बेचता है, तो एक महीने में वो कितना दूध बेचेगा, ठीक है, एक महीना में वो कितना दूध बेचेगा, तो एक महीना बराबर कितना दिया है, 30 दिन, कभी कभी 28 दिन का भी हो सकता है ना, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, तो 31 दिन का भी होता है, लेकिन आपको यहाँ पे दिया है कितना दिन का है, 30 दिन का, तो 7 नंबर का आंसर हम कैसे लिखेंगे, 7 नंबर जो उत्तर होगा, ओके, बड़े आसानी से 7 नंबर का, सो प्रतिदिन कितना लीटर है, प्रतिदिन, प्रतिदिन बराबर 30 लीटर दूध, 30 लीटर दूध मिलता है, बेचता है वो, ठीक है, प्रतिदिन मतलब एक दिन, एक दिन में, एक दिन का इतना, तो एक महीने यानी 30 दिन का कितना हो जाएगा, 30 दिन, 30 दिन बराबर ये 30 से 30 को गुणा कर देंगे, दूध लीटर दूध, कितना लीटर दूध आएगा, बेचेगा, ठीक है, एक दिन में 30 लीटर बेचता है, तो 30 दिन में कितना बेचेगा, 30 गुणे 30 लीटर ये दूध बेचेगा, ठीक है। सो इसको हम इस तरह से करेंगे, और यहाँ पे 30 को 30 से गुणा करने से आपको क्या मिलेगा, 9, ये 3 या 9 हो गया, 2 शून्य लगाएंगे, इतना लीटर दूध,
इतना कितना 900 लीटर दूध वो बेचता है, कितना कितना दिन में, 30 दिन में। तो प्रतिदिन 30 लीटर दूध बेच रहा है, तो 30 दिन में कितना बेचेगा, 30 गुणे 30 यानी कि 900 लीटर दूध वो बेचता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे प्रश्न को आपको करा दिया। तो बच्चों इसके बाद जो होगा नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। 5 नंबर चैप्टर को ध्यान से देखिए, आपको मैं जो वीडियो दे रहा हूँ उसको देख के आपको कॉपी में लिखना है, और नहीं समझ में आता है तो आपको कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करके आपको पूछना है कि सर ये नहीं समझ में आया या फिर इसको कैसे करें। तो यहाँ पे हम लोग 4 नंबर वाला जो चैप्टर जो है उसको हम खत्म करते हैं, क्योंकि ये 4 नंबर वाला एक्सरसाइज था। अब हम नेक्स्ट में हम जाएंगे 5 नंबर वाला एक्सरसाइज। 5 नंबर वाला एक्सरसाइज में क्या आया हमारा, 5 नंबर एक्सरसाइज है पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाला क्लास में। ठीक है, तो बच्चों इसको लिख लीजिए, आशा करता हूँ चीज समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।